वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र पर हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो वादे करती है वो पूरे नहीं करती। इस दौरान नायब सैनी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए नजर। मैंने पहले भी इस शब्द को कहा था कि जो सरकार 55 साल 60 साल सत्ता के अंदर रही हो और उसको वोट लेने के लिए गारंटी देनी पड़ जाए, फिर उस गारंटी के ऊपर विश्वास नहीं है। क्योंकि कांग्रेस घोषणा करती है, कांग्रेस रेवड़ियां बांटने का काम करती है, परंतु देती कुछ भी नहीं है। ये कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है इस प्रकार का है कि घास तो डालो इसके पास पर दूध नहीं देती है, और यही इसका घोषणा पत्र है। ये घोषणा पत्र इन्होंने हिमाचल के अंदर लागू किया, ये घोषणा पत्र कर्नाटक में लागू किया, ये घोषणा पत्र तेलंगाना में लागू किया, बहुत सारे वायदे हिमाचल में किए। 2 साल सरकार को हो गए, लंबा समय हो गया। 5 साल के बाद दोबारा लोग सरकार को नई को चुनते हैं। 2 साल सरकार को हो गए हैं। इन्होंने वायदा किया था कि हम महिलाओं को 2000 रुपये देंगे, हिमाचल में कहा था। इन्होंने ये भी कहा था कि हम 1 लाख हर वर्ष नौकरियां देंगे युवाओं को, ना तो नौकरियों की आज तक इन्होंने ऐड तक निकाली 2 साल के अंदर, और ना ही किसी महिला को इन्होंने 5 पैसा दिया। इन्होंने कुछ नहीं दिया, खाली घोषणा थी। और यही घोषणा इन्होंने कर्नाटक के अंदर की। कर्नाटक के अंदर कहा कि हम महिलाओं को 2000 रुपये देंगे, और भी काफी घोषणाएं की। उसके बावजूद भी 1 पैसा वहां पर महिलाओं को नहीं दिया। और उप मुख्यमंत्री का क्या बयान आता है कर्नाटक के, कि हमारे पास विकास कार्यों के ऊपर खर्च करने के लिए बजट नहीं है। कांग्रेस ने जातिवाद को बढ़ाने का काम, जातिवाद को कमजोर करने का काम, इस देश को कमजोर करने का काम कांग्रेस पार्टी कहीं भी नहीं चूकती। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, ये बापू बेटा लगे रहे, हुड्डा साहब और हुड्डा का बेटा क्या क्या शब्द नहीं बोले। अरे हमारा देश पार्टीशन में गया, क्या स्थिति पैदा हुई उन लोगों के सामने। उन लोगों ने अपने घर को छोड़ दिया, अपनी जमीन को छोड़ दिया, अपने कारोबार को छोड़ दिया, छोड़ करके वो टेंट के अंदर अपने धर्म की रक्षा के लिए, भारत के स्वार रक्षा के लिए उन्होंने पाकिस्तान से पलायन करके भारत के अंदर टेंट में रहना अपना जीवन व्यतीत शुरू किया। और उन्होंने मेहनत की, मेहनत करके उन्होंने देश के विकास के अंदर अपना योगदान दिया। अरे ये क्या लोग बोलते हैं, बापू बेटा ने क्या बोला। उन्होंने ये बोला कि इन लोगों की संस्कृति हमारे साथ मेल नहीं खाती। इसका बेटा बोलता है दीपेंद्र हुड्डा कि हम इसको जहां से आए हैं वहीं भेजने का काम करेंगे। अरे हुड्डा साहब, 8 तारीख के बाद वही लोग आपको बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे, जिस प्रकार का अपमान ये लोग करते हैं। और ये लोग जो भी इस देश को कमजोर करने वाली ताकते हैं, जो भी इस देश को तोड़ने वाली ताकते हैं, कांग्रेस पार्टी जाकर के उनसे हाथ मिलाती है।